सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के दम पर हैदराबाद ने एक बार फिर से कम स्कोर का बचाव करते हुए गुरुवार को शानदार जीत दर्ज की है। पंजाब के अंकित राजपूत 4 ओवर 14 रन और 5 विकेट बेहतरीन गेंदबाजी के दम पर मेजबान टीम को 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 132 रनों पर सीमित कर दिया। इस आसान से लक्ष्य को पंजाब हैदराबाद की नियंत्रित गेंदबाजी के सामने हासिल नहीं कर पाई और 19.2 ओवर में 119 रनों पर ही ढेर हो गई। किंग्स इलेवन पंजाब की पारी। आसान से लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब को शुरुआत तो अच्छी मिली थी। लोकेश राहुल 32 और क्रिस गेल 23 रनों के साथ पहले विकेट के लिए 55 रन जोड़े। पिछले मैच में शतक लगाने वाले गेल को इस बार थम्पी ने खामोश कर दिया और 57 के कुल स्कोर पर उन्हें पवेलियन की राह दिखाई। शाकिब ने मयंक अग्रवाल को 12 रन पर फॉर्म से बाहर ही रखा। मयंक 77 के कुल स्कोर पर मनीष पांडे को कैच देकर पवेलियन लौट गए। पंजाब को अब एरॉन फिंच 8 और मनोज तिवारी 1, इन दोनों की जोड़ी से काफी उम्मीदें थी लेकिन सारी की सारी उम्मीदें धराशाही हो गई। संदीप ने एंड्रयू ट्राई को 4 रनों पर ही चलता कर दिया और हैदराबाद की जीत की राह को और मजबूत कर दिया। कप्तान रविचंद्रन अश्विन 4 रन ही बना पाए। मरिंदर सरन और अंकित राजपूत ने 8 रनों का योगदान दिया। मुजीब उर रहमान 10 रन बनाकर नाबाद रहे। सनराइजर्स हैदराबाद की पारी। पहले ओवर की चौथी गेंद पर अंकित ने कप्तान केन विलियमसन को पवेलियन भेजा। अंकित ने 16 के कुल स्कोर पर ही शिखर धवन को 11 रन पर करुण नायर के हाथों कैच करवाया। अंकित ने अपना अगला शिकार रिद्धिमान साहा को 6 रनों पर बनाया। इसके बाद शाकिब अल हसन ने अपने 28 रनों के स्कोर के साथ मनीष पांडे का साथ दिया और अपनी टीम को संभाला। दोनों ने चौथे विकेट के लिए 52 रनों की साझेदारी की। शाकिब मुजीब की गेंद पर एक बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में मयंक अग्रवाल के हाथों लपके गए। मनीष अर्धशतक के बाद अंकित का चौथा शिकार बने। उन्हें 128 के कुल स्कोर पर अंकित ने बॉल कर दिया। पारी की आखिरी गेंद पर मोहम्मद नबी को 4 रनों के साथ अंकित ने आउट करके अपने 5 विकेट पूरे किए। मनीष ने अपनी पारी में 51 गेंदों का सामना किया और 3 चौके और 1 छक्का लगाया। अगर आप IPL के फैन हैं और IPL 2018 की टीम्स और उनसे जुड़ी हर ताज़ा और मज़ेदार खबर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि आपको IPL 2018 से जुड़ी हर ताज़ा और मज़ेदार खबर सबसे पहले ही यहीं मिलेगी। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज़ की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज़ के लिए।